जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट को देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने ऑलरेडी एक पॉइंट में इसको देख रखा था, जो रिमेनिंग सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है। आपके अगर फर्स्ट यूनिट में अगर आप देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, तो सेकेंड पॉइंट है आपका ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज। क्या है भैया ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी? पहला लिखा है कि डेमोन्स्ट्रेशन। वास्तव में ये जो ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज है, वो आपको बताया जा रहा है, आपको ट्रेंड किया जा रहा है कि आप बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोग्राम लर्निंग मेथड, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, लीनियर एंड ब्रांचिंग, इंट्रैक्शन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक टाइप्स ऑफ टीचिंग है बच्चों, कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो ये आपको बीएड में सिखाया जाएगा। जब आप एग्जाम्स देने के बाद जब आप टीचर बन जाएंगे, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे अपने पढ़ाई के मेथड में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। डेमो आपने अक्सर सुना होगा, डेमो। डेमो में हम क्या करते हैं, बच्चों को डेमो दिखाते हैं, प्रदर्शनी विधि से प्रदर्शन करके उनको सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, इसके सुझाव क्या हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रदर्शन विधि क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है। तो जब हम विद्यार्थी कुछ पढ़ा, मान लीजिए हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा रहे हैं या फिर किसी पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आपके हाथ में एक पौधा है, उसके अंदर जड़ है, उसकी पत्ती है। आप बताएंगे ये जड़ों से क्या करता है, पानी लेता है, भोजन लेता है, प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और पत्ते में ऑलरेडी क्लोरोफिल यहाँ पे मौजूद होता है, और उससे क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, तो आप उसको बच्चों को सिखाएंगे। तो ये मेथड क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रकाश संश्लेषण हो गया। अगर फिजिक्स की बात करें, अगर आप उसको प्रकाश बता रहे हैं, तो आप उसको लेज़र लाइट से दिखाएंगे, शीशे पे टकरा के वो परिवर्तन होगा, ये प्रकाश का परिवर्तन है, आपतन कोण, परिवर्तन कोण, ये सारी चीज़ें समान। तो ये आप जब उसको दिखा के पढ़ाएंगे, तो ये तरीका क्या कहलाता है बच्चों, ये तरीका कहलाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, देखो विद्यार्थी को कक्षा में कुछ क्रिया करके सिखाने पद्धति प्रदर्शन विधि कहलाती है। यह विधि भाषण और प्रदर्शन विधि के गुणों में युक्त होती है। आप साथ ही साथ दिखाते जाएंगे और आप वो लेक्चर भी देते जाएंगे। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक कक्षा में प्रयोग करके दिखाता है, बीच बीच में प्रश्न पूछता है, इसमें सभी छात्र सक्रिय होकर भाग लेते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, प्रयोग जैसे विभिन्न प्रकार के पुष्प, विभिन्न प्रकार के बीज या फिर जड़ों द्वारा पानी छूना, ये सारी चीज़ें, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग इत्यादि, ये सारे क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख दीजिए, मज़ा आ जाएगा, समझ में भी आपको आता चलेगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती है। इसकी विशेषताएं में क्या होती है, कोई टीचर मान लीजिए अगर पढ़ा रहा है, तो उसको रिहर्सल के लिए टाइम चाहिए, तो पहले उसको क्या करना है भैया, हमें रिहर्सल के लिए टाइम देना है टीचर को। ठीक है, इस विधि में छात्र छात्राओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, उस पर बच्चे ध्यान केंद्रित करते हैं। इस विधि में सभी छात्र क्या करते हैं, छात्रों द्वारा समस्या उत्पन्न करवाकर समाधान किया जाता है। बच्चों में आप क्यूरियसिटी, आप उनके अंदर ना इच्छा शक्ति जगाएंगे, वो उनके अंदर एक ललक होगी सीखने की, वो सवाल करेंगे, सर ऐसा कैसे है, मैडम ऐसा कैसे है? तो उनके उनकी समस्याएं उत्पन्न करवाकर आपको जवाब देना है, उसको हल करना है। प्रदर्शन सरल व धीमी से होती है, सही बात है बच्चे, थोड़ा सा मतलब आपको समय लगता है ना इसको सिखाने में। ठीक है, लेकिन आसान होता है सीखने के लिए। समय व मौसम का ध्यान रखते हुए प्रयोगों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, सभी सावधानियों का ध्यान रखा जाता है। यह योजनाबद्ध विधि है, क्या कहते हैं भाई, योजना बनाकर आपको प्लान करके बताना है। प्रदर्शन के लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट होते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, क्यों टॉपिक पढ़ाएंगे, ये सारे क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, ये इसकी विशेषताएं हैं, लिख लेंगे आप लोग, बहुत अच्छा। अक्सर सवाल पूछता है डेमोन्स्ट्रेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसकी गुणों की बात करें, गुणों में भी भाई सही बात है, ये कक्षा में ना एक माहौल बना देता है, पढ़ने वाला वातावरण क्रिएट कर देता है, बच्चे इसमें काफ़ी एक्टिव होते हैं। समझ में आ गई बात, बच्चे क्या होते हैं भाई, इसमें काफ़ी एक्टिव होते हैं, छात्र और छात्र भी भाई, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। यह विधि छात्रों के निरीक्षण शक्ति का विकास करता है, मतलब दोस्तों प्रैक्टिकल का, वो क्या करते हैं, उनके अंदर प्रैक्टिकल करने का शक्ति का विकास करता है। प्रयोग विधि प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती है, सरल विधि है, जब हम सामने से सीखेंगे तो डायरेक्ट हमें नॉलेज मिलता है। यह रोचक विधि है, छात्रों में प्रयोगात्मक प्रवृत्ति की विकास होती है, इंटरेस्टिंग होता है उनके अंदर प्रैक्टिकल करने के लिए की विकास होती है। इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ये क्या है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। चलिए,
यह विधि धन और समय की बचत करती है। कम उपकरणों द्वारा ही अध्यापक पूरी कक्षा में प्रयोग करके दिखा देता है, दूसरे अध्यापक स्वयं प्रयोग करता है, अतः समय भी कम लगता है। इसमें कहने का मतलब ये दोस्तों कि टीचर खुद करता है। एक होता है प्रैक्टिकल मेथड या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको खोज विधि कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी करता है। तो जब विद्यार्थी करेंगे, मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो 30 को अलग अलग डिवाइस चाहिए, अलग अलग वो उपकरण चाहिए। लेकिन प्रदर्शनी विधि में शिक्षक खुद करता है। जब शिक्षक करेगा तो समय कम लगेगा और उपकरण के भी एक ही उपकरण से काम चल जाएगा। अध्यापक के श्रम की बचत होती है। अब वह कहाँ लिख के या फिर अलग अलग बच्चों को बताएगा, इसे उसने डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखा दिया। तो ये इसके गुण होगा। अब इसके कुछ दोष भी होंगे भैया। इस विधि की कमी या दोष देख लेते हैं। क्या है, इस विधि में छात्रों को यंत्र तथा उपकरणों का प्रयोग अवसर नहीं मिलता। मैंने बताया ना कि टीचर करके दिखा देता है, ठीक है। प्रैक्टिकल मेथड में बच्चे खुद करके पढ़ते हैं। कक्षा में यह छात्र की संख्या अधिक है होती है, यह विधि अधिक प्रभावशाली नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे समझ पाए। तो ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे समझ पाए, ठीक है। प्रयोग प्रदर्शित करते समय दोस्तों अध्यापक इतना लीन तो हो सकता है कि वो उसे ध्यान ही ना रहे। मतलब कभी कभी क्या होता है कि टीचर कभी कभी कुछ बच्चों को इग्नोर कर, इग्नोर मतलब वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। कभी कभी बच्चे बहुत दस, कोई बच्चा समझ पाया, कोई समझ नहीं पाया, इससे ये भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इन विधि में छात्रों की अपेक्षा अध्यापक अधिक क्रियाशील होता है, डेफिनेटली बात है। ये आवश्यक नहीं कि छात्र प्रयोग की समस्या में भाग को ध्यान से देखता या सुनते रहे। मतलब हो सकता है वो देख रहा है लेकिन ध्यान नहीं लगा रहा है, ये भी हो सकता है। ये इसका क्या हो गया, दोष हो गया। प्रयोग में समस्त छात्रों का सहयोग नहीं लिया जा सकता। छात्रों का व्यक्तित्व व्यक्तिगत कठिनाइयों की अपेक्षा होती है। बच्चे जब खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो प्रदर्शनी में शिक्षक करके दिखाता है तो सभी बच्चों का हेल्प नहीं हो सकता है। कुछ करना हो तो 2-3 बच्चों को बुला दिए, ठीक है। तो ये इसके गुण दोष हो गए। हालांकि गुण बहुत ज़्यादा है, दोष कम है, बट फिर भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोग्राम लर्निंग का मतलब क्या होता है। देखिए, आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो आपको एक प्रोग्राम बनाना होता है। प्रोग्राम बनाने का मतलब आप क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो सिंपल सी अगर आप एक शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, ये इस प्रकार श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया, मतलब आपको छोटे छोटे पदों में, जैसे मान लीजिए आपको किसी बच्चे को 20 तक टेबल पढ़ाना है, तो आप छोटे छोटे मल्टीप्लाई, इसको गुणा पढ़ाइए, जैसे 2, 2 या 4, 2, 5 या 10। जब गुणा करते जाएगा तो 2 से 10 तक, वास्तव में टेबल क्या है, 2 से 10 तक के लिए गुणा है और कुछ नहीं। छोटे छोटे पदों में जब आप उसको श्रेणीबद्ध कर देते हैं, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है प्रोग्राम लर्निंग या फिर इंस्ट्रक्शन लर्निंग कहलाता है, ठीक है। तो अभिक्रमिक अनुदेशन शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उस इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध की प्रक्रिया है, जिसके सहारे से अधिगम करता जहां तक जाना या ज्ञान होता है उसके आगे ज्ञान एवं नवीन ज्ञान को सीख सके। हम दूसरे शब्दों में हम कह सकें तो कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक विधि है, जिसमें अधिगम के स्रोत साधनों एवं सामग्री नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है कि जिसमें अधिगमकर्ता शिक्षण को सुनिश्चित उद्देश्य प्राप्त है। कहने का मतलब ये दोस्तों, जो भी आपके पास सामग्री है, अधिगम सामग्री, ठीक है, उसको इस प्रकार नियोजित करें, छोटे छोटे पदों में विभाजित करके, कि बच्चा क्या करे, सीख सके, ठीक है। अब अधिगम सामग्री, जैसे मान लीजिए चार्ट का यूज़ करना है या फिर डिवाइसेस का यूज़ करना है या फिर प्रैक्टिकल यूज़ करना है, तो आप चार्ट में बच्चों को बताएंगे आज हमें ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, छोटे छोटे पदों में विभाजित करके। समझ में आ गया। टेबल का चार्ट पढ़ाना है तो आप छोटे छोटे पदों में विभाजित करके बच्चों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। समझ में आ गए। इसको प्रोग्राम लर्निंग हम कह सकते हैं। अच्छा, आजकल एक किताबें आ रही हैं जिसपे ऑलरेडी डॉटेड रहता है, बच्चों को बस उस पर पेंसिल चलाना होता है, ये भी उसी का एक पार्ट है। उसमें क्या है, श्रेणीबद्ध है। पहले केवल गोला बनाओ, फिर गोले के साथ एक लकड़ी बनाओ, फिर ये बनाओ और कंप्लीट क बन जाता है। धीरे धीरे ऐसे बच्चे सीख जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक पार्ट है अभिक्रमिक अनुदेशन का, प्रोग्राम लर्निंग का। इसकी हम परिभाषाओं की बात करें दोस्तों, परिभाषाओं में स्टॉफेल ने कहा था कि ज्ञान को छोटे छोटे अंशों में एक तार्किक क्रम में, लॉजिकल सिक्वेंस में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। अभिक्रम का मतलब क्रम में, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। ओके, करेक्ट। कुक डीएल ने क्या कहा था कि अभिक्रमित अधिगम शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रदाय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। स्मिथ ने क्या कहा था, स्मिथ ने कहा था कि अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पद श्रृंखला में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में यही है। अधिगम सामग्री को जिससे आप पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना है,
क्रम में श्रृंखला में व्यवस्थित कर देना है, जिसके द्वारा छात्र उनकी परिचित पृष्ठभूमि एक नवीन तथा जटिल प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट सिद्धांत को समझ सके, अवबोध ले सके और युग मतलब समझ सके। समझ में आ गए, ये इसकी परिभाषा हो गई। चलिए अगला सवाल देख ले। अभिक्रमित अनुदेशन या फिर अभिक्रमित लर्निंग अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो शिक्षण व्यवस्था शिक्षण व्याख्या के विपरीत अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के द्वारा छात्रों को तत्काल जांच के अवसर प्राप्त होता है। समझ में आ गया, करें। इस विधि के द्वारा छात्र निरंतर एवं स्वप्रेरण के अवसर से प्राप्त होता है और वह पुनर्बलन प्राप्त करते हुए निरंतर अवसर करके प्राप्त सीखता जाता है। कहने का मतलब जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया ना कि डॉटेड लाइन, इससे वो क्या करता है, वो सीखता जाता है, खुद से उसको मोटिवेशन मिलती है, खुद से उसको क्या करते हैं चांसेस मिलते हैं सीखने के लिए, इसलिए वो सीखता जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम पर आधारित होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है एक चीज हमें बहुत बड़ी चीज अगर उसको कॉन्सेप्ट समझाएंगे वो नहीं समझेगा, इसीलिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें सिखाते हुए चलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन छात्र की कमजोरी तथा कठिनाइयों का निदान करके उपचारात्मक अनुदेशन व्यवस्था है। निदान का मतलब होता है कारण जानना, तो पहले ये बच्चों को समझा जाता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका क्या किया जाता है उपचार किया जाता है, अनुदेशन सामग्री मूल्यांकन किया जाता है और उसके पश्चात उनमें सुधार तथा परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट दो पॉइंट है जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, वो है रेखीय अभिक्रम, लीनियर प्रोग्रामिंग और दोस्तों ब्रांचिंग और इंस्ट्रक्ट प्रोग्रामिंग। अब इसको ज़रा देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप वन बाई वन, जैसे क्लास में आपने शुरू की, आपने महीने दिन पढ़ाई करी और लास्ट में आप टेस्ट लेते हैं, वास्तव में एक क्रम में जब हम पढ़ाते हैं ना, जब हम एक क्रम में लीनियरली आगे पढ़ाते चलते तो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके विपरीत ब्रांचिंग का मतलब आपको क्या करना है, आपने कोई टॉपिक पढ़ाई, सवाल किया, उसने जवाब दिया, ये टॉपिक ख़त्म, फिर अगला टॉपिक पढ़ाया, सवाल किया, जवाब दिया, ये टॉपिक खत्म। और लीनियर में क्या है, एक टॉपिक पढ़ाएंगे फिर अगला टॉपिक फिर लीनियर पढ़ाते चलेंगे, लास्ट में हम टेस्ट ले लेंगे। समझ में आएगी, आइए जरा देखते हैं फिर इसको और डीपली समझेंगे। देखिए इसका प्रतिपादन सबसे पहले तो अनुबंधन सिद्धांत के नाम पर 1954 में बी एफ स्किनर ने किया था। यह पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या है, फीडबैक पे, रेनफोर्समेंट और फीडबैक के कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। यह अधिगम रेखीय है, इसमें क्रमिक तथा सीधी व्यवस्था होती है जो तारतम्य रूप से प्रकट की जाती है, उस समय तक चलती रहती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात छात्र सीख नहीं जाता। आपने क्या किया, बच्चे को 2 का टेबल पढ़ाना है तो तब तक आप उसको रटा रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं 2 1 2 2 2 4, जब तक वो 2 सेट लेके 20 तक सीख नहीं जाता। ठीक है, प्रश्न उत्तर के माध्यम से यह विद्या विद्यार्थियों को नई सामग्री नया अनुभव प्रदान करती है। इसमें पद के पश्चात प्रश्नोत्तर पुनर्बल तथा इस प्रकार क्रमानुसार अधिगम सीखने की व्यवस्था तक पहुंच जाता है, इससे विद्यार्थी स्वयं अनुक्रिया करता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, लीनियर की। वहीं अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग को ज़रा समझिएगा, ब्रांचिंग में हमें क्या करना है, आपको 2 से 20 तक नहीं पढ़ाना है, आप 2 1 2 उसको समझाएं, उसने बता दिया, फिर आप चलिए 2 2 4 पे चलिए। देखिए साखीय मतलब ब्रांचिंग का विकास 1954 में नॉर्मन ए क्राउडर ने किया था। इस विधि को क्राउडर अभिक्रमित अध्ययन भी कहा जाता है। इसमें क्या कहते हैं, छात्रों की कमजोरियों कठिनाइयों और त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए पहले हम ये जानेंगे कि बच्चे को कहां तक पता है कहां तक नहीं पता है, उसकी क्या कमजोरी है क्या कठिनाई है, कहां पे वो गलती कर रहा है। लीनियर के बाद का ये प्रोसेस है, विभिन्न पद दिए जाते हैं, एक पढ़ लेने के बाद शिक्षार्थी को बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, सही उत्तर आने पर शिक्षार्थी अगले पद की ओर बढ़ता है। लीनियर पढ़ने के बाद जब बच्चे के अंदर कुछ उसको चेक करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है तो कहाँ प्रॉब्लम आती है हम उसको जान के वो पॉइंट पढ़ाते हैं, वो पॉइंट हो गया उसको क्लियर करेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। जैसे 2 के टेबल में अगर 2-3 पॉइंट में वो गलती कर रहा है तो उस 2-3 पॉइंट को पढ़ाएंगे, फिर पूरा नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम अगले टेबल पर चढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अगले पद की ओर बढ़ते हैं। यदि उत्तर सही नहीं है तो शिक्षार्थी को उपचारात्मक निर्देश दिए जाते हैं, इस हेतु उसे पूर्व पठित पाठ को फिर से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और क्या करते हैं, इसमें प्रतिभाशाली शिक्षार्थी आगे निकल जाते हैं, इसमें विद्यार्थी अपनी सूझबूझ से अनुक्रिया चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, आंतरिक अभिक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यह अनुक्रिया जानने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न का सहारा लिया जाता है, इसे बहुविकल्पीय अभिक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सिमुलेटेड टीचिंग, ये भी एक नया टीचिंग मेथड है जिसको हम कहते हैं अनुरूपण अथवा अनुप्रित शिक्षण, अनुरूपण अथवा अनुप्रित शिक्षण। ये भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में कई बार इससे पूछा जाता है। इसमें मतलब क्या होता है दोस्तों, यह शिक्षण व्यवस्था जो है यह शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उपयोगी प्रभावशाली, इसमें दोस्तों क्या करते हैं हम नकल करके सीखते हैं, नकल करने का सीखने का मतलब ये एक शिक्षक प्रशिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक विधि विकसित की गई है।
आप टीचिंग कैसे करेंगे, आपकी टीचिंग ट्रेनिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए इसको इसका प्रतिपादन किया गया। इसमें दोस्तों क्या करेगा, आपके सामने कोई करके दिखाएगा। जैसे मान लीजिए आप किस आपको टीचिंग करना है, कोई टीचर आके टीचिंग करेंगे, आप उसको देखेंगे, उसको नकल करेंगे, समझेंगे, फिर आप जाके उनके बताए गए तरीके से आप क्या करेंगे, आप खुद टीचिंग करेंगे। ठीक है, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट अगर मान लीजिए उसको उसको कुछ सीखना है, जैसे ऑपरेशन सीखना है, तो उसको हम बॉडी तो दे नहीं सकते कि तुम जाओ बॉडी ले, तो पहले वो डॉक्टर के साथ रहेगा, वो डॉक्टर उनको करके दूसरे कई ऑपरेशन करके उनको दिखाएगा, वो उसकी नकल करेंगे पहले कहाँ पे, दूसरी बॉडी पे, फिर जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर जाके वो मेन बॉडी पे ऑपरेशन करेंगे। तो ये क्या है भैया, ये प्रशिक्षण में उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक विधि विकसित गई, इनमें ही एक है भैया सिमुलेटेड टीचिंग, यथार्थवत शिक्षण। इसमें अनुरूपण अथवा अनुरूपित प्रशिक्षण पद्धति भी कहा जाता है, मतलब देख के सीखना, नकल करके सीखना, फॉलो करने की पद्धति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम कर्ष ग्रामों ने शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग किया था, सबसे पहले इन्होंने इसका यूज़ किया था। इसमें होता क्या, यथार्थवत शिक्षण सीखने का प्रशिक्षण की वह प्रवृत्ति है जो अभिनय के माध्यम से छात्र अध्यापक के समस्या समाधान व्यवहार के लिए योग्यता का विकास किया जाता है, मतलब अभिनय के माध्यम से, मतलब यू नो कला दिखा के, करके दिखा के उसे भली भांति पढ़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। जो टीचर्स होंगे आपके, वो पहले अभिनय करके दिखाएंगे कि माइक्रो टीचिंग कैसे की जाती है, टीचिंग कैसे की जाती है, फिर आप उसको देख के क्या करेंगे, सीखेंगे और आगे पढ़ाएंगे। अनुरूपण या अनुरूपित शिक्षण विधि का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में माना जाता है। विश्व युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने के लिए वास्तविक युद्ध का प्रयोग संभव नहीं था। अगर मान लीजिए किसी को आपको वॉर युद्ध का प्रशिक्षण देना है तो क्या आप पहले युद्ध लड़ाएंगे, नहीं, आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। अतः विविध युद्ध के विभिन्न पहलुओं की रचना एवं तकनीकों की प्रशिक्षण देने के लिए युद्ध जैसी कृत्रिम परिस्थितियों की रचना की जाती है। ठीक वैसे जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो वैसी परिस्थिति की रचना की जाएगी, कुछ सामने बच्चे रहेंगे, आप ब्लैक बोर्ड पर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी प्रक्रिया को ज्यों का त्यों कृत्रिम परिस्थितियों में, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रूप में आपको बना के दिया जाता है, फिर आपको क्या करना है, वैसे पढ़ाना होता है। करेक्ट, समझ आ रही है, बस इसका एग्जांपल दिया। आजकल इस शिक्षण विधि का प्रयोग प्रबंध प्रशासन चिकित्सा व्यवसाय, देखिए प्रबंध प्रशासन चिकित्सा व्यवसाय में क्षेत्र में काफ़ी होने लगा है। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब इस टीचिंग के कुछ टाइप्स हैं वो देख लीजिए, फिर उसके बाद एक टाइप देख के फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। टाइप्स का मतलब पहला क्या है, निदानात्मक तत्व, मतलब आपको डायग्नोस्टिक एलिमेंट, उपचारात्मक तत्व, और तीसरा है मूल्यांकन तत्व। ये तीन तत्व होते हैं, तीन तत्व मैंने मतलब पहले आपको क्या करना है, कारण जानना है किसी बच्चे को। जैसे मान लीजिए अगर आप टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो आप क्या कारण है, आप कौन सा कारण, जैसे युद्ध की ट्रेनिंग लेना है, टीचर ट्रेनिंग लेना है, मेडिकल ट्रेनिंग, आप ये कारण जानेंगे। कारण जानने के बाद अगर उसमें कुछ कमी है तो उसका उपचार करेंगे, क्या करेंगे भाई, उपचार करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने का मतलब आपने जो उसको बताया वो सही है कि नहीं, अगर सही नहीं है तो फिर उसको दोबारा ट्रेनिंग दी जाएगी। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सूक्ष्म शिक्षण, मतलब माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में बस इतना ही है कि जो आप क्लासरूम में, जैसे बीएड के विद्यार्थी हैं तो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, तो आपके सामने कुछ बच्चे रहेंगे, आप उसमें टीचिंग करते हैं, ठीक है, उसी को माइक्रो टीचिंग करते हैं, और ये इसी का पार्ट है। आप जब शिक्षक बनेंगे उससे पहले आपको अभिनय करके सीखना है, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है भैया, माइक्रो टीचिंग जो है यह शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप है, एक शॉर्ट फॉर्म है आपके टीचिंग प्रोसेस का। माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या एवं समय अधिकता को कम कर दिया जाता है। आप बहुत 30 बच्चों को नहीं पढ़ाइए, 5-6 बच्चों को पढ़ाइए, 30 मिनट तक नहीं पढ़ाइए, 15 मिनट तक पढ़ाइए। इसका निर्माण छात्र में शिक्षक कौशल को विकसित करने के लिए कहा गया, मतलब टीचर स्किल, टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए किया गया। जब छात्र अध्यापक शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय उनके सामने छात्रों की उपस्थिति 5 या 6 कर दिया जाता है, मतलब 5-6 बच्चों को पढ़ाइए, ठीक, 5-6 कर। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक से पाठ योजना का निर्माण कराया जाता है, लेसन प्लान बनाया जाता है, वह शिक्षण करते फिर अध्यापक एवं छात्र की प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है जिसे सूक्ष्म शिक्षण साइकिल चक्र क्या कहा जाता है। विभिन्न कौशलों इस प्रकार श्यामपट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, कहने का मतलब दोस्तों आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो आपको क्या करना है, पहले लेसन प्लान बनाना है, फिर आपको माइक्रो टीचिंग करनी है। माइक्रो टीचिंग करने के बाद आपके जो टीचर होंगे वो आपको फीडबैक देंगे, फीडबैक के अनुसार अगर आपने सही पढ़ाया तो ठीक है, नहीं तो आपको उसको क्या करें, दोबारा पढ़ाएंगे, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रो टीचिंग साइकिल कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं। समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा। अब आइए सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे।
जैसे एलन ने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है भैया, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण का लघु क्रियाओं में बांटना है, पूरे टीचिंग को छोटे छोटे क्रियाओं में बांटना है, आप छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाइए। ये एलन महोदय ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया था। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण से होता क्या है, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम पढ़ा सकते हैं। यह कम में अधिक गुणवत्ता प्रदान करता है, कम में क्या करता है, अधिक गुणवत्ता प्रदान करता है। माइक्रो टीचिंग एक व्यक्तिगत शिक्षण है, पर्सनल ट्रेन कर दिया जाता है बच्चों को। जैसे आप टीचर हैं, अच्छा आप में से कितने बच्चों की माइक्रो टीचिंग हुई, आपने एक बच्चों को पढ़ाया है क्लासरूम में। सूक्ष्म शिक्षण एक समय एक ही कौशल का विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है कि टीचिंग कौशल है भैया, आपको बस क्या करना है, टीचिंग सीखना है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या कटौती करके 5-6 तक रखा जाता है और इसकी अवधि 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है। इसके अंतर्गत उचित एवं तत्काल फीडबैक की व्यवस्था की जाती है कि अगर पढ़ाने वाला कहीं गलती कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, फीडबैक देंगे ताकि वो क्या कर सके, सुधार कर सके। सो ये क्या है दोस्तों, ये हो गई सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता। दोस्तों यह पॉइंट, इतना पॉइंट काफ़ी है आपके आपके लिए। इसी में से सवाल अक्सर पूछे जाएंगे और कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इतना समझ लिया, तैयार कर लिया, तो बस यकीन करिए आपके फर्स्ट यूनिट की टेंशन खत्म। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों आपके आपके पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अगला टॉपिक देखेंगे। अगले वीडियो को हम देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और हम समझेंगे आपके सेकेंड यूनिट को, ठीक है। सेकेंड यूनिट को समझेंगे, सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का मतलब टीचिंग क्या होता है, अगले वीडियो में हम समझेंगे। ये है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। तो अगले यूनिट में हम यूनिट 2 देखेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कि इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है, लेवल ऑफ टीचिंग, स्टेजेस ऑफ टीचिंग क्या होता है, ठीक है, और ये मल्टी सेशनल इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं आप कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, समझ में आया पॉइंट, समझ में आया कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें, फिर हम एक वीडियो में अगले यूनिट को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 5 वीडियो में आपके 5 टॉपिक को, 5 यूनिट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके साथ ऐसे पढ़ के डिस्कस करके। मैं आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में अपनी राय दें, लाइक करें वीडियो को, नए जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।